पूज्यवर की अभिलाषा। अपने देव परिवार से जुड़े परिजनों से जो लोक कल्याण में लगे हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने दिशा बोध देते हुए उनसे अभिलाषा की है कि वे आत्मनिर्माण के लिए युग निर्माण के क्षेत्र में आए हैं। अतः उन्हें हमारे देव संगठन की मूल भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को हमेशा ऊंचा सोचना तथा ऊंचा करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य को सिद्धांत के साथ जोड़ने से जीवन लक्ष्य ऊंचा हो जाता है। चिंतन में गरिमामय उत्कृष्टता प्रखरता, चरित्र में अनुकरणीय आदर्शवादिता प्रमाणिकता तथा व्यवहार में उदार आत्मीयता शालीनता जैसे सद्गुणों को अनिवार्यतः अपनाते हुए अपने आप को एक सच्चे एवं आदर्श लोक शिक्षक के रूप में विकसित करें। गुरुधाम में गुरु कार्य करने का सौभाग्य प्रतिपल अनुभव करें। अपने आत्मोद्धार के निमित्त निम्नांकित अनुशासनों अनुबंधों का पालन अवश्य करें। आत्मउद्धार के चार क्रम अपनाएं। आत्मनिरीक्षण के लिए साधना उपासना, आत्मशोधन हेतु स्वाध्याय, आत्मनिर्माण हेतु संयम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आत्मविकास के लिए सेवा सहकार का पालन करें। ब्राह्मणोचित जीवनचर्या, योग्यता अनुसार सामर्थ्य भर सेवा कार्य करें। औसत भारतीय नागरिक स्तर का सादगी पूर्ण जीवन निर्वाह करें। अपने प्रति कठोर, दूसरों के प्रति उदार तथा विनम्र स्वयंसेवक बनने में गौरव अनुभव करें। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हमारे देव संगठन की मूल भावना एवं आचार संहिता का प्रतिदिन पाठ करें। अपने अंग अवयवों से परम पूज्य गुरुदेव द्वारा समर्पित शिष्यों को दिया गया नित्य प्रति पठनीय निर्देश। आश्रम दिनचर्या का कठोरता से पालन। नित्य नियमित ध्यान जप, यज्ञ अखंड दीप दर्शन प्रणाम कर अपने कार्य क्षेत्र में जिम्मेदार व निष्ठा से सेवा कार्य करें। नियमित स्वाध्याय एवं समय से सोने तथा जागने की दिनचर्या बनाएं। चार संयमों का अभ्यास। इंद्र संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम अभ्यास में लाएं। पंचशील का पालन। श्रमशीलता, शालीनता, मितव्ययता, सुव्यवस्था एवं उदार सहकारिता का पालन करें। निष्काम स्वयंसेवक, वेतनभोगी कर्मचारी नहीं, सेवाभावी स्वयंसेवक साधु ब्राह्मण वानप्रस्थियों की रीति नीति अपनाएं। सादगी को प्राणप्रिय माने। वेश विन्यास मिशनरी गरिमा के अनुरूप पीले वस्त्र भारतीय वेशभूषा धारण करने में गर्व अनुभव करें। केश छोटे छोटे ही रखें, शिखासूत्र धारण करें। शरीर आवास स्थल एवं कार्य क्षेत्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। आश्रम की सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी अवश्य करें। अतिथि सत्कार। आश्रम में आने वाले अतिथि शिविरार्थी परिजनों से प्रेम एवं आत्मीयता पूर्ण व्यवहार करें। लोक व्यवहार प्रोत्साहन प्रशंसा। किसी की कमी दिखाई दे तो जहाँ तहाँ आलोचना निंदा न करें। सही बात उचित व्यक्ति को कहें, इधर उधर चुगली न करें। वाणी से कटु न बोलें, परस्पर व्यवहार में आत्मीयता प्रदर्शित करें, सहनशील बनें। स्वाद लिप्सा पर नियंत्रण करें, खान पान में चटोरापन प्रकट न करें। व्यक्ति की विशेषताएं खोजें, उन्हें उभारें और प्रोत्साहित करें। उचित व्यक्ति के समक्ष विध्यात्मक सुधार की भावना से समीक्षा करें। समस्या नहीं, समाधान का अंग बनने का प्रयास करें। समस्या के साथ समाधान भी खोजें। अहंकार प्रदर्शित न करें, विनयशीलता अपनाएं। अपनी प्रतिभा योग्यता क्षमता श्रम सुविधा साधनों का अहंकार न करें। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करें। आय व्यय पैसे का हिसाब शीशे की तरह साफ प्रदर्शित रखें। समय पर हिसाब प्रस्तुत करें। महिलाओं के साथ एकांत वार्ता न करें। यदि आवश्यक हो तो सबके सामने खुले में ऊंची आवाज़ में नीची नज़र करके बात करें। यदि घर में अकेली बहनें ही हैं तो मुख्य द्वार से ही सूचना संवाद कर लौट जाएं, अंदर ना जाएं। स्वेच्छाचारिता ना अपनाएं, मनमानी ना करें। हम सब विशाल गायत्री परिवार के अभिन्न सदस्य पूज्यवर के अंग अवयव हैं। ऐसी विशेषताएं अपने अंदर विकसित करें। समझदारी ईमानदारी जिम्मेदारी एवं बहादुरी का अभ्यास करें। इंटरनेट का सदुपयोग करें। अपने द्वारा इंटरनेट के प्रयोग पर पैनी दृष्टि रखें। मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से
प्राप्त इंटरनेट का उपयोग समझदारी पूर्वक अपने अंदर सत्प्रवृत्तियों एवं सद्भावनाओं को बढ़ाने में ही करें। अपनी योग्यता एवं प्रतिभा का परिष्कार करें। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण हेतु अपने आप को एक सच्चे एवं आदर्श लोक शिक्षक के रूप में विकसित करें। इसके लिए कुछ सीखने तथा सिखाने का क्रम अपनाएं। कम से कम दीप यज्ञ, यज्ञ, युग गायक, युग वादक, जन्मदिन एवं विवाह दिन संस्कार कराने की योग्यता अवश्य विकसित करें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।